सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं तुम लोगों को दृश्यम 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड इस मूवी के लिए दो शब्द बोलना चाहूँगा, परफेक्ट सिक्वेल, जो अजय देवगन परफेक्टली करता है। तो बिना टाइम पास किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में दो आदमी ड्रग्स का सप्लाई कर रहे होते हैं, और उसमें से एक का नाम डेविड रहता है, और वो ड्रग्स सप्लाई के दुनिया से बाहर आना चाहता है, इसलिए वो अपने बॉस से लड़ने लगता है, और गलती से वो अपने बॉस को गोली मार देता है, और सामने से पुलिस आ जाती है, और डेविड पुलिस को देख के भागने लगता है, और वो भागते भागते कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचता है, जहाँ पे एक नया पुलिस स्टेशन बन रहा होता है, एंड डेविड वहाँ पे विजय को बॉडी दफनाते हुए देखता है, और वो बॉडी सैम की होती है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है पुलिस के डर से, एंड फिर वो अपने घर में जाके छिप जाता है, और उधर उसको पुलिस आके पकड़ लेती है, और उसको 7 साल की सजा होती है। एंड फिर दृश्यम 1 की पूरी स्टोरी सॉन्ग में बताने की कोशिश की गई है, जो कि अच्छी चॉइस थी। और इसके बाद सीधे 7 साल बाद का सीन बताता है, जहाँ पे विजय अपने परिवार के साथ खुशी खुशी है, और उसने खुद का एकदम बड़ा घर भी लिया है, और उसने खुद का एकदम बड़ा थिएटर भी खोला है, और वो साइड में एक मूवी भी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसने उस मूवी के लिए एक नॉर्मल आदमी को एज ए एक्टर लिया है, और हर रात वो उसके साथ बैठ के दारू पीता है, और वो एक और आदमी की हेल्प करता है जो शमशान घाट में रहता है, उसके मतलब पैसे से मदद करता है, और उसकी बीवी विजय शादी भी करवाता है, और विजय ने खुद का ऑफिस पुलिस स्टेशन के सामने खोला है, और वहाँ पे सामने एक दुकान है जहाँ पे विजय हमेशा चाय पीता है। ये सब के बाद भी उसके परिवार को डर लगता है कि कभी ना कभी सच्चाई पुलिस को पता चल जाएगी, और आज भी पूरा शहर विजय को एक मर्डरर मानता है, और उसे ताने भी मारते हैं, और उसके जो पड़ोसी है वो हमेशा मारपीट करते रहते हैं, और उनमें से एक का नाम जेनी है, जो अपने पति के पीने से बहुत प्रॉब्लम फेस करती है, क्योंकि उसका पति हमेशा पी के आता है और उसे मारता रहता है, और विजय हमेशा जेनी को बोलता है कि पुलिस को जाके कंप्लेंट कर दो अपने पति के खिलाफ, पर वो डरती है ये सब करने से, बिकॉज वो एक सोसाइटी का हिस्सा है। ये सब चल ही रहा होता है कि डेविड जेल से छूट जाता है, और वो जॉब ढूंढने लगता है, और जब वो चाय पीने जाता है उतने में सामने से वो विजय को देखता है, और उसे सब याद आने लगता है 3 अक्टूबर की रात का, जब उसने विजय को बॉडी दफनाते हुए देखा था। एंड इसके बाद एंट्री होती है बैडएस आईजी तरुण की, भाई साहब, एंड वो असिस्टेंट ऑफिसर को बोलता है कि सब इंस्पेक्टर डायटोंडे को बुलाओ, क्योंकि उसने विजय को सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा था। एंड फिर वो आता है, मतलब डायटोंडे, एंड उतने में असिस्टेंट ऑफिसर बोलता है कि विजय बेगुनाह साबित हो गया है, तो उसे वापस कैसे पकड़े। ये सुनने के बाद तरुण बोलता है कि हमारे पास प्रूफ है और गवाह भी। एंड फिर इसके बाद मीरा देशमुख एंड महेश देशमुख की एंट्री होती है, जो सैम के माता पिता थे, एंड फिर वो लोग बोलते हैं कि विजय ने सैम को मारा है, ये साबित करने के लिए उन्होंने 2 ऑफिसर को काम पे लगाया है। एंड उसके बाद फिर उन दो ऑफिसर की एंट्री होती है, और वो विजय के पड़ोसी निकलते हैं, एंड फिर वो लोग बोलते हैं कि वो दोनों 1 साल से विजय के परिवार पर नज़र रख रहे थे और प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे, और उन लोग ने विजय के घर में माइक्रोफोन लगा के रखा था, और उसमें उनको एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें नंदनी जो विजय की वाइफ है उसने बोला था कि विजय ने बॉडी कहाँ दफनाई है ये किसी को नहीं पता, और विजय ने इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए मना किया है। एंड फिर तरुण ऑर्डर पास करता है कि जितने भी ऑफिसर है सब लोग सैम की बॉडी ढूंढने में लग जाओ, कहीं ना कहीं तो वो बॉडी होगी, और विजय ने ये बॉडी रात को दफनाई थी तो ज़्यादा दिन नहीं दफनाई, तो लोग ढूंढने लगते हैं, पर उनको बॉडी कहीं भी नहीं मिलती है। एंड फिर जब ये बात डेविड को पता चलती है कि हाँ पुलिस वाले लोग बॉडी को ढूंढ रहे, और जिन्होंने उनकी हेल्प की उनको 5 लाख रुपये मिलेगा, और फिर डेविड तरुण लोग के पास पहुंच जाता है, और बोलता है कि मैं आप लोग को एक शर्त पे वो बॉडी का एड्रेस बताऊंगा। तरुण बोलता है क्या, आप लोग को मेरे को 28 लाख रुपये देना पड़ेगा। उतने में गायटोंडे बोलता है कि भाई तू झूठ मत बोल, अगर तू गलत निकला तो तू बहुत खाएगा। तो उतने में वो डेविड बोलता है कि भाई मेरे बातें विश्वास करो, नहीं हुआ तो बने आप मेरे को मार सकते हो। और उसके बाद वो तरुण जो होता है वो मान जाता है, बाद में मीरा देशमुख उसको 28 लाख रुपये देती है। और फिर उतने में जो डेविड रहता है वो बोलता है कि डेविड सर जहाँ पे खड़े हैं उसके नीचे बॉडी दफन है सैम की,
वो लोग सब हक्का बक्का रह जाते क्योंकि वो पुलिस स्टेशन था जहाँ पे पहले वो नया पुलिस स्टेशन था जो पहले कंस्ट्रक्ट हो रहा था। और बाद में तरुण जो रहता है वो जाता है परमिशन मांगने मतलब बड़े बड़े ऑफिसर से, और बाद में वो परमिशन लेके आता है एंड उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में खुदाई चालू हो जाती है। एंड फिर ये बात विजय को पता चलती है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई हो रही है क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि सैम की बॉडी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। और फिर वहाँ से विजय निकलता है अपने ऑफिस की ओर क्योंकि ऑफिस उसके पुलिस स्टेशन के सामने ही था। फिर वो उधर जाता है और इतने में उन लोग मतलब खड्डा खोद रहे होते हैं पुलिस स्टेशन में और उन लोगों को हड्डी मिलती है जो सैम की थी। बाद उन लोग उस हड्डी को लोग रिपोर्ट के लिए भेजते हैं लैब में और फिर उन लोगों को पता चलता है कि वो जो हड्डी थी वो सैम की थी और साथ में उसकी जो डेथ हुई थी वो सर पर चोट लगने की वजह से। और फिर वो लोग विजय और उसकी फैमिली को लोग रिमांड पे लेते हैं। वो लोग तरुण विजय को बुलाता है और उससे पूछताछ करने लगता है पर विजय नहीं मानता है। वो बोलते हैं कि भाई मैंने मर्डर नहीं किया है। और फिर जो गाइड होते हैं अपना असली वाला रूप ले आता है और वो विजय के परिवार को मारने लगता है स्पेशली उसकी जो बड़ी बेटी ने थी इशिता उसको खत्म मारता है गाइड होते और उसकी बेटी को पहले से प्रॉब्लम है कि ज़्यादा डर जाती है तो मतलब कम कम आने लगते हैं उसका उसको झटके लगने लगते हैं। कप कप आने लगती मतलब झटके लगने लगे उससे। और उसके बाद जो विजय रहता है वो उसकी अपनी बेटी की चोट देख के उसके दर्द देख के वो मान जाता है और कन्फेस करता है कि जो सैम का मर्डर था वो मैंने किया था। और वो जो प्रॉब्लम्स थे मानो नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स थे बताता है कि उसकी बेटी को छेड़ रहा था फिर उसको गुस्सा आया और उसने उसको मार दिया। एंड फिर ये कन्फेशन के बाद वो जो कन्फेस रिकॉर्डिंग रहता है वो पुलिस के पास जाती है और फिर तरुण बोलता है मीरा देशमुख को कि विजय तो अभी जेल में जाएगा ही पर उसके साथ उसका परिवार भी जाएगा क्योंकि उसकी सज़ा उसके परिवार वालों को भी मिलेगी। और उसके बाद ये जो विजय की जो न्यूज़ रहती है पूरी मीडिया में फैल जाती है और ये जो न्यूज़ है वो विजय के जो मतलब विजय जो मूवी बना रहा है उसके राइटर के पास पहुँचती है और उस राइटर का नाम है मुराद अली। वो बंदा उस न्यूज़ को देखता है उसकी फट जाती है। वो सीधे तरुण को मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है पर तरुण को लगता है कि इतना बड़ा राइटर को हमसे क्या काम। फिर वो तरुण उससे मिलता है एंड फिर मुराद अली तरुण से मिलता है और उसको बोलता है कि 2016 में विजय मुझे मेरे घर पर मिला था दिल्ली में और उधर विजय उसके पास आया था एक काम से। तो माने जो अपना मुराद अली होता है वो विजय से पूछता है कि क्या काम है तुम्हें। फिर विजय बोलता है कि मुझे एक मूवी बनानी है और वो मूवी की स्टोरी मैंने लिखी है। माने मुराद अली बोलता है कि ठीक है वो स्टोरी तुम मुझे सुनाओ। फिर वो विजय अपनी स्टोरी उसको सुनाता है जो उसने लिखा हुआ है और फिर मुराद अली को वो स्टोरी बहुत पसंद आती है और फिर बाद मुराद अली बोलता है कि हम लोग मिलकर इस ये मूवी बनाएंगे। एंड फिर तरुण मुराद अली से पूछता है कि इससे आपको दिक्कत क्या है एक मतलब स्टोरी से। मैंने मुराद अली बोलता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मुराद अली को विजय ने एक बार बोला था कि वो जो स्टोरी जो विजय ने लिखी है वो स्टोरी वो बुक में पब्लिश करना चाहेगा। तो मैंने मुराद अली विजय से पूछता है ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो क्यों तुम वो स्टोरी को बुक में पब्लिश करना चाहते हो। तब विजय बोलता है कि ये जो मूवी है हम लोग जो मूवी बनाने वाले हैं इसके लिए ये जो स्टोरी है ये कोई भी चोरी कर सकता है। अगर हम ये मतलब ये स्टोरी में एक बुक पब्लिश कर दे मानो उसका कॉपीराइट हमें मिल जाएगा फिर माना हमारी स्टोरी को कोई चोरी नहीं कर सकता। और फिर मुराद अली ये बात सुन के मान जाता है एंड फिर विजय मुराद अली के सामने शर्त रखता है कि वो जो बुक पब्लिश होगी वो मुराद अली के नाम पे ही होगी और मुराद अली मान जाता है। फिर विजय बोलता है कि ये जो स्टोरी है जो मैंने लिखा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुराद अली बोलता है ऐसा क्या दिक्कत है मतलब ये स्टोरी के कम्प्लीशन में। उतने में जो विजय रहता है वो बोलता है कि इसको टाइम लगेगा तो अभी आप एक दो साल रुक जाओ उतने में मैं इसकी स्टोरी कंप्लीट कर दूंगा। उससे पहले उस जब तक स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप इस जो बुक है उसको पब्लिश करके रखो क्योंकि इसका स्टोरी हमारे पास रहना चाहिए। एंड फिर मुराद जो अपना तरुण है उसको गाय टोंडे का कॉल आता है और गाय टोंडे उस वक्त कोर्ट में गया होता है विजय को सुनवाई के लिए बिकॉज जो विजय ने जो कांड किया था सैम के साथ उसकी उस दिन सुनवाई भी थी। फिर उसका कॉल आता है गाय टोंडे वाले बोलता है कि यहाँ पे एक लफड़ा हो गया। तरुण पूछता है ऐसा क्या मतलब इतने बड़ी क्या दिक्कत होगी जो तुम्हें मुझे कॉल करना पड़ रहा है। एंड फिर गाय टोंडे तरुण को बताने लगता है कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब जो विजय की जो लॉयर होती है वो बोलती है कि इन्होंने जो कन्फेशन लिया है विजय का ये उसका हर एक लाइन इन्होंने एक साल पहले एक बुक पब्लिश हुई थी उसमें से लिया है
और वो बुक पब्लिश मुराद अली के नाम से हुई थी। और बाद में वहाँ पर सब लोग मतलब हक्का बक्का रह जाते हैं। मतलब जिनको ये बात समझ में नहीं आई उनको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एक साल पहले जो विजय ने जो बुक पब्लिश की थी मुराद अली के नाम से, उसमें उसने खुद की स्टोरी लिखी थी। और उस स्टोरी में मतलब उस स्टोरी में उसने पूरा वो कन्फेशन, मतलब जो उसने तरुण के सामने जो कन्फेशन किया था वीडियो रिकॉर्डिंग में कि उसने मारा है सैम को और किस लिए मारा और किस वजह से मारा, ये सब जो उसने बोला था वो हर एक लाइन उस बुक में से थी। इसका मतलब ये होता है कि तरुण ने विजय को मार मार के वो कन्फेशन करवाया था और वो लाइन, वो हर एक लाइन बुलवाया था उस बुक का। एंड फिर जज विजय से पूछता है कि तरुण ने तुम्हें मार के ये कन्फेशन करवाया था, तब विजय बोलता है कि हाँ उसने मुझे मार के पूरा कन्फेशन करवाया था और उसने मुझे हर एक लाइन बोलने बोला था। और इसके बाद गाइड डोंडे जज को बोलता है कि हम लोग को जो अप्रिशिएशन से जो हम लोग को बॉडी मिली थी वो सेम थी। और हमें जज उसको बोलता है कि इसका आपके पास कोई प्रूफ है, तब हमें गाइड डोंडे बोलते हैं कि हाँ हमने वो प्रूफ मंगाया है, मतलब वो जो रिपोर्ट देता है जिसके अंदर लिखा था पूरा डिटेल वो उस जज को देता है और वो जज वो पूरा रिपोर्ट पढ़ने लगता है। एंड फिर सीधे मुराद अली का सीन बताता है जहाँ पर वो तरुण को बोलता है कि प्रॉब्लम अभी यहाँ से तो शुरू हुई है, माने तरुण और एकदम क्वेश्चन में पड़ जाता है। उसके बाद तरुण मतलब जो मुराद अली होता है वो बोलता है कि विजय ने मेरे को स्टोरी लिखते समय ये बोला था कि मुझे ये स्टोरी कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये क्रिमिनल और मिस्टीरियस पे है, इसके लिए मेरे को पुलिस की जरूरत पड़ेगी कि वो लोग मतलब क्या करते अगर वो लोग इस मूवी में होते। अब मानो पुलिस और जो मुराद अली रहता है वो बहुत बड़ा आदमी रहता है, इसलिए वो बहुत सारे पुलिस वालों को बुलाता है। एंड फिर मुराद अली का सीन बताता है जहाँ पे वो तरुण को बोलता है कि प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है। अब हमें तरुण और क्वेश्चन में पड़ जाता है और फिर तरुण उससे पूछता है अभी क्या होने वाला है। उतने में मुराद अली स्टोरी बताने लगता है और ये स्टोरी विजय के वीडियो के थ्रू बताई जाती है, जहाँ पर विजय बोलता है कि मुझे पुलिस वालों की ज़रूरत है ये स्टोरी ख़त्म करनी है। और वो क्यों ज़रूरत है मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि विजय को पहले से मालूम था कि ये जो बॉडी का जो मतलब राज है वो कभी ना कभी पुलिस वालों के सामने आ जाएगा और उन लोगों को वो बॉडी मिल जाएगी। इसके लिए वो हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता था कि उसको कोई एक ऐसी बॉडी मिले जिसकी जो डेथ हुई हो वो सर पे चोट लगने की वजह से हुई हो और उसका जो एज हो वो 18 से 24 के बीच में हो और उसको एक बॉडी ऐसी मिलती है और वो जो बॉडी रहती है वो जिस कब्रिस्तान में मतलब गड़ी हुई रहती है उस कब्रिस्तान का जो एक आदमी रहता है जिसकी मुझे हमेशा हेल्प करता था उसको, मतलब वो इसीलिए उसको पैसा देता रहेगा। और जब वो लोग को मतलब जब तरुण लोग को वो बॉडी मिलती है सैम की, तब हमें विजय सीधा वो कब्रिस्तान वाले के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई मुझे भी इस बॉडी की ज़रूरत है, और बाद में वो बॉडी वहाँ से वो निकलवाता है और वो बॉडी मतलब पूरी हड्डी हड्डी मिलती है। एंड उसके बाद सीधे तरुण का सीन बताता है जहाँ पे तरुण मतलब तरुण को जब वो बॉडी मतलब हड्डी सब मिलती है सैम की, तो वो उसको रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल में भिजवाता है और वो जो जिस हॉस्पिटल में भिजवाता है उस हॉस्पिटल का जो सिक्योरिटी रहता है जिसके साथ मुझे हमेशा मतलब दारू पीता रहता है, उसको सब कुछ बताता रहता है कि तुम मेरे मूवी में एक्टिंग का काम करोगे, वो उसके पास जाता है और उसको मतलब उसके पास जाके उसके साथ दारू वारू पी पी के वो सीधे जाता है वो हॉस्पिटल में और जाके वो जो रिपोर्ट रहता है वो रिपोर्ट एक्सचेंज करवा लेता है। और उस मतलब जो विजय जो रिपोर्ट उसके जगह एक्सचेंज करता है उस रिपोर्ट में ये लिखा रहता है कि जो बंदा इसकी डेथ तो सर पे चोट लगने की वजह से हुई है पर वो जो बंदा है वो सैम नहीं है, वो कोई और है। इससे मानो विजय वहाँ पे सेफ हो जाता है। और जब मानो यही बात जब कोर्ट में पता चलती है कि जो उन लोग को बॉडी मिली थी गाय टोंडे लोगों को वो बॉडी सैम की नहीं थी, वो किसी और की थी, और यहाँ पे विजय सेफ हो जाता है। और ये सब होने के बाद एक दो महीने बाद का सीन बताता है जहाँ पे मीरा देशमुख और महेश देशमुख जो सैम के माता पिता है वो लंदन जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग लंदन जाने के लिए निकलते हैं उन लोग के घर के सामने एक अस्थि रखी होती है जिस अस्थि में सैम की हड्डी वड्डी सब होती है, जिस हड्डी से उन लोग को अंतिम संस्कार करना था। फिर लोग अंतिम संस्कार करते हैं, विजय उनको देखता है और फिर वहाँ से स्टोरी ख़त्म। अभी दृश्यम 3 भी आएगा क्योंकि जो जहाँ से ये दृश्यम 2 की जो मतलब जहाँ से ये मूवी उठी है, तो हाँ दोस्तों मैं पक चुका हूँ ये सब करते करते, तो इसके लिए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। एंड फिर हम मिलेंगे, तब तक मेरा रतन जी का टाटा और मेरा बाय बाय बाय।